हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्थ हेल्थर्स। तो आज मैं आपको 3 BHK का होम टूर देने जा रहा हूँ। 3 BHK फ्लैट है, बेसिकली ये लिफ्ट के साथ है। यहाँ पे आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी दी गई है। फर्स्ट फ्लोर पे ये फ्लैट है 3 BHK। सबसे पहले हम 3 BHK में एंटर करते हुए हमें यहाँ पे बायोमेट्रिक लॉक मिलता है। लाइक आप सेंसर लॉक है, यहाँ पे आप अपना लॉक डाल के अपना पासवर्ड खोल सकते हैं अपने घर अपने फ्लैट का। ठीक है, अब मैंने डाल के इसमें मैंने अपना पासवर्ड डाल के मैं घर के अंदर एंटर हो चुका हूँ। 3 BHK फ्लैट है ये मेरा। बेसिकली यहाँ पे एंटर करते ही आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे छोटा सा आपको डाइनिंग मिल जाता है। बहुत ही कोजी सा रूम है, बहुत ही कोजी सा यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। एंड यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया के सामने बिल्कुल आपको सोफ़ा सोफ़ा सेट मिल जाता है। सोफ़ा सेट भी बहुत कोजी टाइप में है। लाइक आप यहाँ पे आराम से बैठ के बिल्कुल सोफ़ा के सामने बिल्कुल आपको यहाँ पे LED मिल जाती है। लाइक आप LED पैनल आप आपके सामने है बिल्कुल सोफ़ा के। आप इवनिंग टाइम पे गेट टुगेदर होकर यहाँ पे बैठ के TV का एंजॉय कर सकते हैं, खबरें सुन सकते हैं, इवनिंग में मॉर्निंग की खबरें सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के इस तरफ बिल्कुल सामने आपको विंडो मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको विंडो का व्यू मिल जाता है पल्ली तरफ का, लाइक जो और फ्लैट्स भी हैं साथ में। ठीक है, एंड आपको ड्राइंग एरिया के सामने ही आपको ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के सामने ही आपको किचन मिल जाती है। किचन का जो एरिया है हमारा काफ़ी स्पेशियस एरिया है किचन का। ठीक है, 3 BHK फ्लैट के अंदर ये किचन मॉड्यूलर किचन है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सामान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, अपने यूटेंसिल्स वगैरह रखने के लिए। एंड यहाँ पे आपको फिनिशिंग मिल जाती है। बट यहाँ पे आपको जो सिर्फ वॉश बेसिन एरिया है वो आपको एक ही मिलता है। लाइक आपको मूवेबल टैप्स के साथ मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी मिल जाती है अपने यूटेंसिल्स वगैरह रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको चिमनी एज इट इज ही मिलेगी। चिमनी का भी प्रॉपर और बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पे हॉब है, हॉब रखा गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ आपको किचन तैयार मिलेगी, रेडीमेड किचन तैयार मिलेगी। अब किचन के साथ ही आपको बाहर बालकनी का एरिया मिल जाता है। ठीक है, अब ये बालकनी का एरिया आप अभी शायद लॉक है ये, बट यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि बालकनी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड प्लांटेशंस काफ़ी ज़्यादा की गई हुई है। लाइक पॉट्स वगैरह भी काफ़ी ढंग से स्पेसियस एरिया में है काफ़ी ज़्यादा। और ये मेरे को लगता है कि आपका जो बेडरूम है उसके साथ ये अटैच होगी बालकनी। ठीक है, तो ये है मेरा किचन 3 BHK का। कोजी सा किचन है, प्यारा सा। एंड इसके साथ ही आपको किचन के साथ ही आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है, जिसको आप एज ए गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहता है फर्स्ट बेडरूम हमारे किचन के साथ। ठीक है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लाइक डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे डेकोरेटिव प्लेट्स लगाई गई हैं वुडन फिनिशिंग के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बेडरूम के पीछे देखिए, बेड के पीछे देखिए दीवार पे कितनी प्यारी फिनिशिंग बनाई गई है। आपको फॉल सीलिंग है, आपको एज इट इज़ ही फॉल सीलिंग मिलती है। ठीक है, एंड जो जिस बालकनी की मैं आपको बात कर रहा था किचन के साथ, वो शायद ये वाली बालकनी है। ठीक है, ये बालकनी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी बालकनी मिल जाती है आपको आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ। तो ये आपकी बाहर की बालकनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो किचन थी, किचन का जो अभी शायद लॉक था किचन, तो ये आपको किचन की साथ अटैच मिलती है आपको बालकनी, बेडरूम की और किचन की। ठीक है गाइस, तो ये है मेरा फर्स्ट बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल। तो ये जो मेरा फर्स्ट बेडरूम है ये बिल्कुल है ड्राइंग एरिया के सामने। ठीक है, जो अदर 2 बेडरूम्स हैं वो भी ड्राइंग एरिया के सामने हैं। मैं सबसे पहले आपको मास्टर बेडरूम में लेके चलता हूँ, जो हमारा मास्टर बेडरूम है। ये हमारा रहेगा मास्टर बेडरूम। ठीक है, एंटर करते साथ ही आपको काफ़ी स्पेशियस एरिया मिल जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ की वार्डरोब। आप वार्डरोब देखिए मास्टर बेडरूम की, कितनी ज़्यादा स्पेशियस वार्डरोब है। जो मास्टर बेडरूम की वार्डरोब है कितनी ज़्यादा स्पेशियस है, कितना स्पेस है। ये एक साइड की वार्डरोब है, उसी के बाद यहाँ पे सेकंड साइड की वार्डरोब है। और इसका कंसेप्ट देखिए कितना प्यारा कंसेप्ट है इसकी वार्डरोब का। बिल्कुल शीशे शीशे की फिनिशिंग के साथ वार्डरोब है। इस तरफ भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है वार्डरोब के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आपको मास्टर बेडरूम से यहाँ से आपको बाहर का व्यू मिल जाता है। लाइक अगर आपने आपकी कभी लाइट चली जाती है, वैसे लाइट जाएगी तो नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे आप अपनी खिड़की खोल के रात को आनंद ले सकते हैं, ठंडी हवा का, एनवायरमेंटल हवा का भी आनंद ले सकते हैं। अब बेडरूम के सामने बिल्कुल आपको LED पैनल मिल जाता है, जहाँ पे अपनी LED लगा सकते हैं। और इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है वो भी आपको अटैच वॉशरूम इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। ठीक है, ये आपका वॉशरूम है, जो जैगवार की फिटिंग्स है इसके अंदर। और यहाँ पे मिरर है एंड बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है टाइल्स की। ठीक है, उसके बाद आपको मास्टर बेडरूम के साथ साथ ही आपको इसके साथ एक बालकनी मिलती है, जिसको आप एज अ
वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एज ए वॉशिंग एरिया यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख के आप यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं आराम से, ठीक है। ये जो बेसिकली 3 BHK फ्लैट है, ये फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है, ठीक है। अब उसके बाद आपको लेके चलता हूँ मैं सेकंड बेडरूम की ओर। सेकंड बेडरूम में भी वो आपको ऐसे किड्स बेडरूम आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपके अगर किड्स हैं तो उनके उस पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये है हमारा सेकंड बेडरूम, ठीक है। सेकंड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, लाइक मास्टर बेडरूम से तो ज़्यादा छोटा है, बट फिर भी ठीक है। एंड यहाँ पे भी फॉल सीलिंग एज इट इज ही रहेगी आपकी, ठीक है। फॉल सीलिंग एज इट इज ही रहेगी। यहाँ पे सामने आपको LED पैनल वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे साथ में आपको अपने बच्चों का स्टडी टेबल वगैरह, किड्स आप पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। और ये साथ में आपको जो यहाँ का बाहर का मिलता है व्यू मिलता है, वॉशिंग एरिया का व्यू मिल जाता है यहाँ पे आपको। साथ ही मतलब आप देख सकते हैं कि बाहर कोई काम कर रहा है, कौन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अटैच वॉशरूम है, किड्स जोन के साथ का अटैच वॉशरूम है ये, ठीक है। तो इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इसमें भी जैगवार की फिटिंग्स हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस की गई है, ठीक है। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन सिस्टम लगाया गया है मिरर्स के ऊपर, देखिए, ठीक है। तो ये है मेरा किड्स बेडरूम का वॉशरूम, जो हमारा थर्ड बेडरूम है। अब जो ये फ्लैट है, इस फ्लैट में मैंने आपको जो पहला बेडरूम दिखाया है उसके साथ अटैच वॉशरूम आपको नहीं मिलेगा, आपको 2 बेडरूम्स से अटैच वॉशरूम मिलेगा, ठीक है। बट जो आपका थर्ड वॉशरूम रहेगा वो आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा, और वो आपका कहाँ है, आपके ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के सामने, लाइक आपके हॉल में आपका आपको वॉशरूम मिल जाएगा, कॉमन वॉशरूम, जो गेस्ट रूम वाले बंदे भी यूज़ कर सकते हैं उस वॉशरूम को, ये 2 वाले बेडरूम्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा कॉमन वॉशरूम जो रहेगा बिल्कुल हॉल के साथ, ठीक है। इसको कोई भी यूटिलाइज कर सकता है अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ पे भी बहुत प्यारा डेकोरेशन सिस्टम है, वही सेम है, इसमें जैगवार की फिटिंग्स रहेंगी, जैगवार की एज इट इज फिटिंग्स रहेंगी। टाइल्स भी बहुत प्यारी लगाई गई हैं, उसकी उनकी फिनिशिंग भी बहुत प्यारी दी गई है, ठीक है। स्पेशियस भी है, ठीक है, एनफ स्पेशियस है, एक बंदे जितना है। तो गाइज मैं आपको भी 3 BHK फ्लैट का होम टूर दे चुका हूँ, जो कि इसका स्क्वेयर फिट एरिया है 1410 स्क्वेयर फिट एरिया है, और ये हम ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, मतलब इसके अंदर आपको साथ के साथ आप पैसे भरोगे साथ साथ आपको फ्लैट अवेलेबल हो जाएगा। एंड ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए प्लॉट्स, विलास, डुप्लेक्स या इंडिपेंडेंट फ्लैट्स अगर आपको होम टूर करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड किसी भी बंदे की क्वेरी है, किसी ने भी पूछना है कुछ इस फ्लैट के बारे में, तो कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार।